6 फरवरी 2003 को तुर्की और सीरिया में भूकंप आया। ये न्यूज़ तो आप लोगों ने यूट्यूब न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल पर देख ही ली होंगी। भूकंप कितने इंटेंसिटी का था, कितने माल और जान का नुकसान हुआ, भूकंप क्यों और कैसे आया, जमीन के नीचे की कौन सी प्लेट सरकी, ये सब बातें इन न्यूज़ चैनल्स ने और न्यूज़पेपर ने आपको बताई दी होंगी। Wait a minute. क्या ये सब बातें आपको नहीं पता? तो यूट्यूब पर सिंपली तुर्की अर्थक्वेक सर्च करो और हजारों ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जो ये सब आपको बताएंगी। क्योंकि मैं तो ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं ये बताने वाला हूँ कि ये भूकंप इंडिया के लिए कैसे फायदेमंद होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे, तुर्की में इस भूकंप से इतने लोग मारे गए, तुर्की की इकोनॉमी कई सालों के लिए पीछे चली गई, ऐसे नुकसान से भारत को क्या फायदा होगा? रुको जरा, सबर करो। लेकिन इससे पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन जो लाल रंग का दिख रहा है उसे दबाकर ग्रे कलर का कर दीजिए, ताकि मुझे आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। भारत को इस भूकंप से कैसे फायदा होगा ये जानने के लिए सबसे पहले भारत और तुर्की के बीच के रिलेशंस को समझना जरूरी है। अगर पब्लिक लेवल पर बात करें तो हम इंडियंस तुर्की घूमने जाते हैं और तुर्की के लोग भी भारत में आते हैं। आम जनता के लिए तो साप चंगासी। लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पर तुर्की भारत से ज्यादा पाकिस्तान के क्लोज है, और जब से इर्दोगन तुर्की के प्रेसिडेंट बने तब से पाकिस्तान और तुर्की की क्लोजनेस ज्यादा ही बढ़ी है। 2019 में भारत ने जब आर्टिकल 370 हटाया तब तुर्की उन कुछ चुनिंदा देशों में था जिसने पाकिस्तान का साथ दिया और भारत की आलोचना की थी। तुर्की के प्रेसिडेंट इर्दोगन ने पर्सनली कई बार कश्मीर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी UNGA में उठाया। इर्दोगन यहाँ पर ही नहीं रुके बल्कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट में जाकर इर्दोगन ने कहा, कश्मीर जितना पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट रखता है उतना ही इम्पोर्टेंट तुर्की के लिए भी रखता है। और कई बार तुर्की ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC में भारत के खिलाफ रिजोल्यूशन भी लाया है। इन बातों से यह पता चलता है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की दुनिया में तुर्की हमेशा से ही पाकिस्तान का साथ देता है। तुर्की जैसा स्ट्रांग देश जो नाटो का भी मेंबर है वो पाकिस्तान के ग्रुप में हो, ये भारत के लॉन्ग टर्म के लिए खतरा है। लेकिन अभी जो भूकंप तुर्की में आया ये इस चीज को पूरी तरह बदल सकता है। तुर्की के भारत के खिलाफ इतने सारे एंटी इंडिया स्टांस होने के बावजूद जब तुर्की में भूकंप आया तब भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से तुर्की की मदद करने के लिए ऑपरेशन दोस्त चालू किया। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत 1000 NDRF पर्सनल्स डॉग स्क्वाड्स के साथ तुर्की भेजे। भारत ने 99 मेडिकल स्पेशलिस्ट की टीम भेजी जिन्होंने वहां पर 30 बेड का पूरा हॉस्पिटल सेटअप किया। 3 ट्रक भर के प्रोटेक्टिव गियर, सीरिंज, इसेंशियल मेडिसिन भेजी, एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर्स, एम्बुलेंस जनरेटर भी भेजे। इसके अलावा कई 1000 पैक एंड रेडी टू ईट पैकेट्स भेजे। भारत के इस ऑपरेशन को एक्नॉलेज करते हुए तुर्की के एम्बेसिडर फिरस सुनील ने ट्वीट किया, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, तुर्की तो पाकिस्तान का सगा है, आज तुर्की को गरज है इसलिए तुर्की मीठे बोल बोल रहा है, और जैसे ही तुर्की की गरज खत्म होगी तुर्की भारत के खिलाफ जहर उगलेगा, आखिर सांप डंक मारना नहीं भूलता। इसका सिंपल जवाब है, भारत तुर्की में वही पॉलिसी इस्तेमाल कर रहा है जो भारत ने कभी अफगानिस्तान में इस्तेमाल की, और वो है इन्वेस्ट इन पीपल ऑफ कंट्री नॉट इन गवर्नमेंट, यानी किसी देश के लोगों में इन्वेस्ट करो ना कि उस देश के गवर्नमेंट में। अफगानिस्तान में जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी तब भारत ने अफगानिस्तान में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जो डायरेक्टली आम अफगान जनता को फायदा पहुंचाते थे, जैसे डैम्स, वाटर पाइपलाइन, ब्रिजेस, रोड्स, लाइब्रेरी एंड स्कूल्स। भारत ने किए हुए इन कामों की वजह से आज आम अफगानिस्तान के आदमी में भारत के लिए जैसी रिस्पेक्ट है वैसी रिस्पेक्ट दुनिया के किसी देश के लिए नहीं है। और इन्हीं कामों की वजह से आज तालिबान गवर्नमेंट भी भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहती है। यही स्ट्रेटजी भारत अब तुर्की में इस्तेमाल कर रहा है। ऑपरेशन दोस्त से भारत एक ही तीर से दो शिकार करेगा। पहला, भारत तुर्की की इतनी मदद कर रहा है कि तुर्की के पॉलिटिशियंस से सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, तुर्की को कंगाल पाकिस्तान के साथ रहना है या फिर भारत जैसे देश के साथ रहना है जो वक्त आने पर तुर्की की मदद कर सके। इस ऑपरेशन की वजह से जब एर्डोगन के बाद तुर्की का जो नया प्रेसिडेंट बनेगा वो भारत के बारे में, तुर्की के पॉलिसी के बारे में एक बार जरूर सोचेगा।
और दूसरा जब भारत के एनडीआरएफ के जवान तुर्की के लोगों को बिल्डिंग के मलबों से बचाएंगे, भारतीय डॉक्टर तुर्की के लोगों की जान बचाएंगे, तब तुर्की के लोगों में भारत के लिए प्यार और रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ेगा, जैसे आज अफगान लोगों में है। आगे जाकर यही लोग भारत के लिए तुर्की में सॉफ्ट पावर का काम करेंगे और तुर्की की गवर्नमेंट की किसी भी एंटी इंडिया स्टांस के खिलाफ तुर्की गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट करेंगे, जिसके चलते आगे तुर्की गवर्नमेंट भारत के खिलाफ कोई भी स्टांस लेने से पहले सोचेंगी। मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा कि इस ऑपरेशन के बाद तुर्की पूरा एंटी पाकिस्तान और प्रो इंडिया हो जाएगा, लेकिन मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ ये ऑपरेशन इस प्रोसेस के लिए पूरा बीम और पिलर के स्ट्रक्चर का काम करेगा, जिस पर भारत को भरोसे की और मदद की ईंटें चढ़ानी पड़ेंगी। आगे चलकर तुर्की भारत के साथ भी नहीं बल्कि इंडिया और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल भी रहा तो भी वो भारत के डिप्लोमेसी के लिए बहुत बड़ी जीत होंगी। इस तरह ये भूकंप तुर्की को भारत के और पास लाएगा और पाकिस्तान से दूर लेकर जाएगा। थैंक यू।